तो भाई लोग कैसे हो। तो स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में, जिसमें मैं बीच बीच में वॉइस ओवर करके आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, है ना। खैर ये बात तो अभी तक सबको पता हो ही चुकी होगी भाई। तो अभी हम आए हैं नोवो में, है ना। तो यहाँ पे एक स्क्वाड हमारे साथ ही उतरी है, तो जल्दी से गन के लिए भटकता हूँ और पेलने की कोशिश करता हूँ उन्हें। क्यों, 4 बजे गाय का काम शाम को होता है? अंदर तो जब भी आप नोवो वगैरह जोरजो वगैरह उतरते हो तो ज़्यादातर टाइम यही होता है, इस बंदे वाली हाल हो जाती है, ठीक है। गन के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलता और ऐसे भटकना पड़ता है, भागना पड़ता है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मैं जानबूझ के लेट उतरता हूँ ताकि मैं देख लूँ किस तरफ बंदे आ रहे हैं, ठीक है, और किस तरफ उतरना सेफ रहेगा। पर ये चीज़ कभी कभी भारी भी पड़ सकती है, अगर बहुत ही ज़्यादा स्क्वाड आ गई तो कहीं पे भी उतरना सेफ नहीं रहेगा और उतरते ही आपको मौत मिलेगी, ठीक है। तो देख के करना भाई, जो भी कर रहे हो जल्दी उतर जाओ या लेट उतरो, आपकी मर्जी है। तो अभी जो मैंने बंदे पेले, उनके बाकी टीममेट्स न जाने किधर भग चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे दिखे नहीं, वो लोग बिल्कुल साइलेंट कैंपिंग कर दी है या कहीं दूर भग गए हैं। तो अभी मैं बाकी बंदों को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, और मुझे अभी पता चलता है कि इस वेयर हाउस में कुछ बंदे हैं। तो मैं अपनी DP रिलोड पर लगा लेता हूँ और भाई चल देता हूँ रश करने के लिए। तो भैया इस बंदे के टीममेट न जाने कहाँ थे, ठीक है। तो नोवो बिल्कुल खाली हो चुका था, बॉट्स के अलावा कुछ बचा नहीं था। तो जो वो बचे कुछ बॉट्स थे वो मेरे टीममेट्स ने पेल दिया ताकि वो अपनी KD संभाल पाए, ठीक है। तो और करना क्या था भाई नोवो में, उठाई गाड़ी और हम चल दिए कहीं और बंदे पेलने, भाई हम ना पेल जाए खुद। तो भैया वीडियो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक के मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई इस टेक्निक का तो मैं फ़ैन हूँ, ठीक है। बंदे इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना इससे, और भाई शॉट्स लगते नहीं बंदों के, पता नहीं कहाँ चलाते रहते वो। तो जैसे ही ये बंदा आया मैं लेट गया भाई, बड़ी मुश्किल से एक गोली लगी मुझे उसकी, और मतलब मैंने नॉक करके उसे पूरा ख़त्म भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देख लो भाई लोग, अगर कर सकते हो ये लेटने वाली टेक्निक तो करो, काफ़ी ख़तरनाक है, ठीक है। क्लोज रेंज फाइट में बिल्कुल लेट जाओ, किसी को पता नहीं चलने का कि क्या हो गया उनके साथ भाई। अबे थर्ड पार्टी हो गया था मुझसे, दूसरी स्क्वाड आ रही है केस, तू देख राइट से। और हाँ यहाँ पे मेरे टीममेट पे थर्ड पार्टी हो गया और उसे किसी ने पेल दिया जब हम यहाँ पे लड़ रहे थे, न जाने वो कहाँ था। तो अभी मुझे पता है कि एक और स्क्वाड आने वाली है हम पे, तो मैंने जल्दी से सोचा कि यहाँ रश करता हूँ। और हाँ ये जो टेक्निक है काफ़ी मज़ेदार है यार, इससे कई बार क्या होता है, मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बंदा मेरे सामने आया और लेट गया और मैंने पता है गोली चलाना रोक दिया था, मुझे लगा भाई मैंने उसे नॉक कर दिया, पर नहीं, बाद में पता चला वो लेट रखा है और मैं तब तक मर चुका था, कुछ था नहीं सोचने के लिए। तो ज़रूर ट्राई करना भाई लोग इस टेक्निक को, कतई जहर है। कैसे एक स्क्वाड अपने पीछे थे?
हाँ उस साइड से उसने मुझ पर थर्ड पार्टी कर दिया नोब ने। चार बंदे पैदल आ रहे हैं, मतलब आए थे। अब यहाँ पे मैंने फटाफट से नीचे नेट कर दिया था ताकि कोई और रश करे तो भाई वो नॉक नूक हो जाए, ठीक है। क्या पता गलती से नेट लग जाए किसी को, और फिर बाद में पता चला कि भाई मेरा टीममेट नीचे पहुँच चुका है खिड़की से कूद के, है ना। तो मैं भी नीचे भाग गया, फिर भाई बाद में याद आया भैया या नेट पड़ा है, तो मैं कुत्तों की तरह ऊपर भागा, मेरा टीममेट सेफली बच गया नेट से, जो कि काफ़ी सही है। तो यहाँ पे मुझे अपने टीममेट को पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई मैं नेट कर रहा हूँ। खैर जब तक मैं बोलता तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, वो नीचे कूद चुका था, ठीक है। और जब तक मैं कूदा भाई, अच्छा हुआ याद आ गया कि भैया नेट भी है नीचे, तो वापस आया, नहीं तो भाई यहाँ पे दोनों का ख़त्म हो जाता खेल, और खेल के साथ साथ भाई मेरिट भी जाती। फिर कूदता मैं प्लेन से कुत्तों की तरह पानी में सोलो मैचेस में, ताकि मेरी मेरिट बढ़ जाए। भैया कसम से इस वन टैप ग्लिच से ना मुझे ना नफरत सी होने लग गई है पबजी। प्लीज़ फिक्स दिस, प्लीज़ कुछ करो भैया। एक ही गोली निकलती है AKM से, साला दोबारा दबाना पड़ता है। ऐसा लगता है Mini-14 चला रहा हूँ भैया। क्यों दबाया है बटन यार, गोली निकालने दो प्लीज़। खैर यहाँ पे मैं बच गया था, उस बंदे का पता नहीं शायद बर्स्ट में रखी थी उसने अपनी UMP, तो मैं बच गया यहाँ पे। और अब हम दूसरी तरफ आ गए भाई सर्कल के, तो वो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब भाई यहाँ पे ना हद से ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी, मुझे नहीं पता क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार नहीं होता ऐसा मेरे साथ, पता रहता है मुझे कौन कहाँ पर है, पर यहाँ पे भाई अपना बंदा कौन है दूसरा बंदा कौन है भाई कुछ पता नहीं चल रहा था, बहुत कन्फ्यूज़न हो गई थी। और भाई दोनों रूम में कुत्तों की तरह घूम रहे थे इधर उधर। खैर मैंने उसे पेल दिया बड़ी मुश्किल से, और अब देखना है कि भाई सर्कल अपने फेवर में होता है या नहीं। देख के भाई लोल भाई अब यहाँ पे मेरी भिड़ंत एक म्यूटेंट चलाने वाले बंदे से हो गई थी, और भाई बहुत बढ़िया चला रहा था वो, ठीक है। एकदम स्कोप खोल रखा था भाई ने मेरे पे, और जैसे ही मैं पीक पुक कर रहा था भाई बिल्कुल गोलियां पड़ रही थी उसकी मेरे पे। खैर हम दोनों यहाँ पे फंस से रखे थे क्योंकि ना वो नॉक पक कर पा रहा था और ना ही मैं। हाँ ओ भाई अब यहाँ पे भाई ओम का फटका पड़ गया मुझे अच्छे से, ठीक है। मैं थोड़ा आगे आया दीवार पे TPP लेने के लिए कि भाई क्या पता म्यूटेंट वाले को पेल दूँ मैं, है ना, गलती से। तब तक फिर मैंने देखा भाई साइड में तो बिल्कुल खुला है, और जैसे ही मैंने साइड में देखा भाई एक ही ओम की गोली आई और मैं नॉक। खैर उसने उस बंदे ने फिनिश नहीं किया, यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, वो अपनी दूसरी फाइट में फंस गया, और मैं लकीली घर के अंदर आ गया और बच गया मैं। और वो म्यूटेंट वाले लोग वहाँ से गाड़ी उठा के कहीं और चल देते हैं, तो भाई लकी थे हम इस बार बच गए। बहुत बहुत गलत सीन हो जाता नहीं तो यहीं पे। वाला ना नहीं है ऐसे बात है फोरेट ये देख सामने से जा वो म्यूटेंट वाले उड़ा रहे हैं सबको गाड़ी से दो नया हाँ गए म्यूटेंट वाले अब यहाँ पे बहुत
बहुत ज़्यादा दिनों बाद ऐसा हुआ कि भाई मेरे ऊपर ही सर्कल बन रखा था। ठीक है, तो इस टाइम तक मैं समझ गया था कि भाई गेम अपना है, ठीक है, क्योंकि भाई सर्कल है अपने अपने पे और कवर भी है भाई, और क्या चाहिए भाई गेम जीतने के लिए गनगुन के अलावा। खैर, अब बाकी बंदे उधर आगे लड़ रहे हैं तो हम बस देख रहे हैं यहाँ से तमाशा और वेट करेंगे उनके सर्कल में आने का। ठीक है, और जैसे ही वो सर्कल में आके सांप बनेंगे भाई, डीपी खोल दूंगा मैं अपनी पूरी। हाँ मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है, जैसे ही मैंने देखा कि मेरा एक टीममेट नॉक हो गया है, मैं समझ गया था कि भाई मुझे भी उनका एक बंदा नॉक करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2v2 हो रखा था यहाँ पे और वो सीधा रश करेंगे क्योंकि उन्होंने एक नॉक कर दिया। उन्हें पता है मैं अकेला बाकी हूँ और उन्हें पता है मैं रिवाइव दे रहा हूँगा। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई पहले डीपी चलाऊंगा और एक बंदे को नॉक करूंगा। अब वो भी अपना टीममेट रिवाइव कर रहा है और मैं भी अपना टीममेट, और दोनों पे चांस है दोबारा फाइट करने का अच्छे से। खैर, हम पे जोन है तो हम पे एडवांटेज है ऑलरेडी, बट फिर भी अगर मैं सीधा रिवाइव करने आता यहाँ पे नॉक बगैर करे तो वो सीधा रश कर देते भाई, और हो सकता था हम हार जाए कवर होने के बाद भी। खैर, लकीली मैंने एक नॉक कर दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पे बस एक ही बंदा बचा है जो कि कहीं पे लेट गया है। ठीक है, घास बहुत घनी है और स्मोक भी फेंक रखा है भाई ने, और भाई नेट भी कर रहे हैं हम पे, बट लकीली कोई लग नहीं रहा है हम पे। तो अभी मैं बस यहाँ पे पूरी जान लगा रहा हूँ उसे स्पॉट करने की। ठीक है, और इसके बाद मैं रैंडम डीपी फायर शुरू करूँगा, क्या पता मैं लकी हो जाऊँ। ठीक है भैया, तो कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता मैं रैंडम गोली चलाने के अलावा, घास बहुत थिक है। थिक, हाँ मेरे को दिख गया, ये रहा, ये 245 में झाड़ी में लेट रखा, 245 में झाड़ी में लेट रखा, सांप बन के आ रहा है वो आगे पीछे हो रहे, एक ही जगह पे मर जाएंगे दोनों। क्या कर रहे हैं अब, क्या कर रहे हैं अब, चल जी जा। तो भैया फाइनली आखिरकार एंड में बंदा मर ही गया। ठीक है, और मैं सच सच बोलूंगा, जब मैं गेम खेल रहा था मुझे वो बंदा कहाँ पर लेटा है नहीं दिखा था। ठीक है, तो मैंने रैंडम डीपी खोली और मैं लकी हो गया भाई, पड़ गई गोलियां और विनर विनर चिकन डिनर। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग वीडियो देखने के लिए यार, आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।